मैं ये मानता हूं कि अगर हम एक तराजू के पलड़े पर दो चीजों को रखें तो जैसी आपकी मेहनत होगी वैसी आपकी सक्सेस होगी। अगर आपने खूब मेहनत करी है तो सक्सेस भी खूब आपको मिलेगी। अगर आपने मेहनत में कंजूसी करी है, मेहनत में मक्कारी करी है, काम चोरी करी है, तो फिर आप समझ लो सक्सेस आपको कैसी मिलनी है। आ रही बात समझ में? इसलिए अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाइए, ठीक है, अपने बेस को मजबूत करिए। मैं कमेंट्स आपके बंद कर रहा हूं, आप लोग ना, कई लोग मंद बुद्धि हैं आप में से, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है ना। तो फाउंडेशन को मजबूत करने पे ध्यान करिए और शॉर्टकट की तलाश में मत भागिए। अब मैं बता रहा हूं मैथ्स की बात यहां पे कहां से आ गई है ना, हमने करोड़ों अरबों की तो बात कर ली, अब मैथ्स पे आ जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग जो हैं उनके साथ समस्या क्या है, वो ये सोचते हैं कि मान लीजिए मैंने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाया, मैंने टाइम एंड वर्क में 80 क्वेश्चंस करा दिए, तो वो सोचते हैं कि बस अब हम बन गए टाइम एंड वर्क के राजा, हमने 80 प्रश्न कर लिए भैया, है ना। क्योंकि कई लोग के अनुभव ऐसे हैं कि वो किसी कोचिंग में गए या उन्होंने कहीं यूट्यूब पे पढ़ा या उन्होंने कहीं किसी कोर्स में देखा, तो उनको वहां तो 25 30 40 ही क्वेश्चंस कराए, तो वो यहां इसमें ही खुश हैं कि सर ने 80 क्वेश्चन कराए और वास्तव में इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता, है ना। तो आपने 80 क्वेश्चंस करे, आपको बड़ा मजा आ गया, अब आप सोच रहे हो कि टाइम एंड वर्क मात्र इतना ही है, और ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। ये ठीक वही बात हो गई जिसको हम बचपन से बोलते आए कुएं का मेंढक, है ना, कि बस हमारे आसपास जो है वही देखना, बाहर पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी दुनिया है जो है वो आपका इंतजार कर रही है, कितना तगड़ा कॉम्पिटिशन है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो आपको मैं ये बताता हूं कि देखिए हमें एक चैप्टर तो पढ़ना नहीं होता है, करीबन 30-35 चैप्टर्स होते हैं, एक चैप्टर ऑन एन एवरेज हफ्ते 10 दिन ले लेता है, तो अगर 35 चैप्टर को देखा जाए तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि कितने दिन लगेंगे, है ना। अब टाइम एंड वर्क को अगर अच्छा बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। 80 क्वेश्चंस या मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पे 100 क्वेश्चंस लिए, ठीक है, ये 100 क्वेश्चंस तो मैंने आपको क्लास में बताए, इसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो बेसिक होते हैं, जो आपके फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, जो आपको सीखना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ दुनिया इतनी ही नहीं है, इतने ही टाइप्स नहीं है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो अगली सबसे ज्यादा जरूरी, भाई ये तो मैंने पढ़ाया आपको, अगला सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है प्रैक्टिस, जिससे बहुत लोग भागते हैं। अगर आपको 100 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं तो कम से कम आपको 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप अलग अलग टेस्ट लगाइए, उन टेस्ट के माध्यम से 50-100 क्वेश्चंस और होंगे, तब जाके आपका टाइम एंड वर्क हमेशा हमेशा के लिए आने वाले 7 जन्मों के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है मेहनत किसी भी चैप्टर में, है ना। देखो एग्जाम में एक एक अंक जरूरी होता है, एक एक अंक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और उस एक नंबर के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये आपको इसकी कद्र होनी चाहिए, है ना। जब आप कट ऑफ 80 जाता है और आपके 79.5 होते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि वो आधे नंबर की वैल्यू क्या है। वो आधा नंबर जो है आपकी पूरी लाइफ बदल सकता था, आपका पूरा लाइफ का टेंशन खत्म कर सकता था, लेकिन उस आधे नंबर के कारण आप रह गए, आने वाले 2 साल आप फिर बेरोजगार रह गए, फिर परीक्षा आएगी, फिर परीक्षा दोगे, फिर पढ़ोगे। तो एक नंबर आधे नंबर की भी वैल्यू होती है ना। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि आपने टाइम एंड वर्क को सीरियस नहीं लिया, आपने टाइम एंड वर्क में ज्यादा मेहनत नहीं करी, किसी कारण से आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया और उसी के कारण एक नंबर आपका कम हो गया, तो रोका तो इसी ने ना।